बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं सैलाब ज़दगान वो अफराद जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी और वो अफराद जिन जो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन वो करा सकें एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। मोहतरमा सानिया निश्तर साहिबा की तरफ से एक ट्वीट है, उसमें उन्होंने कहा है कि अवाम को बदउनवान अनासर से होशियार रहना चाहिए। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत अभी नई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन जो तैयारियाँ इस वक्त तकमील के आखिरी मरले में, इसी महीने जब रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होगा तो मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊँगी, तो आपको इससे बाखबर रहना चाहिए और बदउनवान अनासिर से जो आपको फेक न्यूज़ दें कि रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है, तो उनसे बचा रहना चाहिए। पंजाब में जो करियाना दुकानदार पिछले मरले में एहसास राशन रियायत में शामिल हुए थे, इनके साथ साथ नए दुकानदार भी जल्द नई रजिस्ट्रेशन खुलने पर प्रोग्राम में रजिस्टर हो सकेंगे, और जो अहल घराने थे अपने इलाके में प्रोग्राम में रजिस्टर्ड दुकानों से रियायती कीमत पर राशन खरीद सकेंगे। इसके बाद मोहतरमा सानिया निश्चर साहिबा ने ये भी ट्वीट किया कि प्रोग्राम के तहत नई रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही पंजाब में एहसास राशन रियायत के पुराने अहल घराने जो थे, जो रजिस्टर थे, उनको सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी। सानिया निश्चर साहिबा ने कहा कि इस बार एहसास राशन रियायत के तहत नए घरानों की रजिस्ट्रेशन 3 महीने तक जारी रहेगी और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 3 माह के अंदर ही जो नए अहल घरानों को सब्सिडी फराहम करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।